बोले हे उद्धव, सब अपने अपने मते अनुसार होता है, ये वही हुआ है जो होना था। अब मेरा भी समय आ गया, जो कुछ बाकी जो द्वारका में बचे हैं आप जाओ उनसे शीघ्र कह दो कि द्वारका को खाली कर दे, कुछ ही क्षण में ये जल में स्थिर हो जाएगी। इस तरह उद्धव जी को भेज दिया। फिर वह बद्ध के शिकार करता चला रहा था, ठीक सामने आया, मृग खड़ा हो गया, लेकिन भगवान की माया, तीर को साध करके छोड़ दिया, हिरण गायब हो गए और तीर जाके भगवान के पदम में लगे। भगवान ने एकदम से आह शब्द निकाला, वो बजा करके भाग के चरणों में गिर गया। प्रभु मेरा दोष नहीं, मैंने तो मृग के मारा था, मैंने जान के ऐसा नहीं किया। भगवान बोले भैया तेरा दोष मैं कहां बता रहा हूं, तेरा दोष नहीं है, मैं तो केवल तेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था। बोले भगवान मैं समझा नहीं कि हे भैया तू पूर्व जन्म में बांदर जाति में तेरा नाम था बाली, लेकिन मैं तेरे भाई सुग्रीव से मित्रता कर उस धर्म को निभाने के लिए मैंने मर्यादा को भी तोड़ा और तुझे भाई के लिए अपने मित्र के वादा को निभाते हुए मैंने तुझे छुप करके मारा था। इसलिए भैया बिगर दिए लिए कैसे बदला चुक सके, भगवान को भी देना पड़ा। इसलिए हे भाइयों, जिसका लिया है दिया है वो अवश्य ही देना पड़ता है, चाहे ऐसे दो चाहे ऐसे दो। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भगवान यह कह करके परम धाम के लिए चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे। अब जैसे ही भीलों का सरदार जंगल में जहां पर अर्जुन पहुंचे हैं 16,000 सेनानियों को लेकर के, बिच्छुओं की झनकार हो रही है, आपस में निकल निकल करके मार्ग पे आके खड़े हो गए। और भीलों का सरदार बोलो वाह प्रभु वाह, आज तो इतनी लक्ष्मी भेज रही है, हम खाएं हमारे घर के हमारे बच्चा खाएं। अर्जुन ने देखा अरे भीलो मेरे मार्ग को रोकोगे क्या, मेरा नाम नहीं सुना, हट जाओ। भीलों के सरदार वो भी बड़ा भगवान कृष्ण का भक्त था, वो भी आगे पीछे की बात को जानता था। भीलों में भी भक्त है, भक्त तो सब जगह होते भगवान के। उसने कहा हे अर्जुन हमारा काम है लूट मार करने का, घर आई लक्ष्मी हम नहीं छोड़ सकते, अब तुम्हारा काम है इनकी रक्षा करना तो करो ना, हम तो लुटेरे हैं। अर्जुन कहने लगे मेरा एक बार चलने पर हजारों का वध करके वापिस तरकस में आ जाता है, भीलो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। भीलो का सरदार कहने लगा अर्जुन अब तुम कुछ नहीं हो, अब तुम कुछ नहीं हो, जब तक थे तब तक वो भगवान तुम्हारे साथ थे, जब तक तुम्हारी शक्तियां काम करती थी, अब तो तुम थोते हो, तुम्हारे पास है क्या, और नहीं मानो तो चलो हम तो काम अपना करें। अर्जुन ने बाण लेकर के धनुष पे चढ़ा के छोड़ा, 3.5 पग जा करके गिर पड़ा, मिथ्या हो गया, अर्जुन के हृदय में शेकारा हो गया, घबरा गए। 3 बार प्रहार किया, 3 बार नष्ट हो गया। गौर कीजिए हे माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, इस तरह अर्जुन नर्वस होकर के खड़े हो गए। अब तो शर्म के मारे उनके पास कोई भी किसी भी प्रकार का जवाब नहीं था। अब भील आगे बढ़ रहे हैं, वे गोपिकाएं जिनके सामने भगवान कृष्ण को वादा करके उन्होंने वचन दिया था, आज वो उस वादे को देख करके कहती हैं हे अर्जुन हमारे प्रभु के तुम मित्र थे, सखा भी थे,
और हमारे प्रभु के तुम रिश्तेदार भी थे। उस रिश्ते से अब इन रिश्तों में से कौन सा निभाओगे? जब तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब कहां गई तुम्हारी वो वीरता? अर्जुन नीचे निगाह करे और सुन रहे हैं, भील आगे बढ़ रहे हैं। वो गोपिका कहती है, वो रानी भगवान कृष्ण की कह रही है कि जीजा जी देखो कितना बढ़िया रिश्ता है। क्या बोली है कि जीजा जी कह रही है कि जीजा जी क्यों नाराजी, पीछे कदम हटाओ ना, सूरबीर रणपंका होके माँ का दूध लजाओ ना, माँ का दूध लजाओ ना। अरे जीजा जी क्या नाराजी, अब पीछे कदम हटाओ ना, हटाओ ना, सूरबीर रणपंका होके माँ का दूध लजाओ ना, माँ का दूध लजाओ ना। कितनी बढ़िया बात कही, हे पार्थ अर्जुन भारत पार्थ तुम तो, तुम्हारा नाम भारतवर्ष। अर्जुन भारत पार्थ तुम तो प्रताप पुत्र कहलाते हो, छोटी सी इस विकट बनी में कायरपन दिखलाते हो, कायरपन दिखलाते हो। हो जाओ राजी जीतो बाजी, अब रस में विष मिलाओ ना, मिलाओ ना, सूरवीर रणों बंका होके माँ का दूध लजाओ ना, माँ का दूध लजाओ ना। हरि बोल। करण और दुर्योधन बेना, करण और दुर्योधन सेना खाई तुमने शंका है, जद्रथ और अश्वत्थामा के ऊपर बजो जीत को डंका है, बजो जीत को डंका है। पाड़ाधारी हिम्मतिहारी, अब प्रण को धूल मिलाओ ना, मिलाओ ना, सूरवीर रणपंका होके माँ का दूध लजाओ ना, माँ का दूध लजाओ ना। बुजुर्गों अर्जुन की एक नहीं चली, नीचे गर्दन करे खड़े देखते ही रहे। इसी को कहते हैं हे राजन परिषद के समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान और भीरन लूटी गोपिका सुबे अर्जुन भाई, समय बड़ा बलवान होता है। इस तरह सभी गोपिकाओं को लुटवा करके पहुंचे हस्तिनापुर, अपने भाइयों को जाकर के सारा संदेशा बताया, सबने दुख जाहिर किया। इस तरह है राजन परिषद, गौर कीजिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, समय जब आगे बढ़ता है
जो धृष्टराष्ट्र गंधारी उनसे दुश्मनी मान अपने पुत्र बहु में आज उन्हीं के छत्र छाया में रह करके खुल भोजन प्राप्त कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, विदुर जी आए, विदुर जी ने अपने भाइयों से मेल किया, अपने भाई से, और वो बात जो पहले उन्होंने समझाई वही बात फिर समझाई और कहा कि भैया अब तुमको अच्छा लग रहा है, जब तो मेरी बात मानी नहीं, मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश भी की, जब जब भी हाथ तुम्हारे तरफ बढ़ाया तब तब तुमने धक्का मार के मुझे पीछे ही हटा दिया, लेकिन आज ये तुम्हारा ही सब किया कराया है, लेकिन अब तुम अच्छे लग रहे हो, जिनसे हर समय दुश्मनी मानते थे अब उन्हीं का अन्न खाते हो, उनकी छाया में रहते हो, धिक्कार है, जीवन का यद मोल चाहते हो तो चलो हमारे साथ, इसी वक्त अपने जीवन का कल्याण कीजिए। इस तरह रात्रि के समय वहां से अपने भैया भाभी को लेकर के भगवान कृष्ण के चरणों में जाकर के उन्हें अर्पण कराया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भाई भाई के प्रति ऐसा होता है। ध्यान दीजिए माताओं बहनों भाइयों, कुछ ही समय प्रसाद पुत्रा के गर्भ से सुंदर बालक का जन्म हुआ, जहां पांचों पांडवों ने अपने नाती की इतनी खुशी मनाई, इतना बहुत दान दिया कि दोबारा कोई भी ऋषि ब्राह्मण याचक भिखारी दोबारा मांग नहीं सके, ऐसा दान दिया। वो धर्मात्मा थे। हे राजन परीक्षित, ज्योतिष के अनुसार उनका नाम संस्कार कराया, बालक का नाम परीक्षित रखा। बड़े खुश हुए। धर्मराज ने पूछा, हे ब्राह्मणों, हमारा कुल में यह बालक कैसा होगा? उन्होंने कहा, हे महाराज, तुम्हारे कुल में, तुम्हारे वंश में ये बड़ा शक्तिशाली धर्मात्मा होगा, तुम्हारे पूर्वजों का यश नाम बढ़ेगा, लेकिन सर्प के काटने से इनकी मृत्यु होगी। इस बात पर थोड़ा सा धर्मराज ने दुख किया। ऋषियों ने कहा, धर्म आप संकोच नहीं कीजिए, सर्प के काटने से यदि मृत्यु होती है तो सीधा वैकुंठ जाता है, धन्य है तुम्हारे पुत्र के लिए, तुम्हारे नाती के लिए स्वयं साक्षात भगवान का दर्शन किया है। लेकिन परीक्षित नाम क्यों पड़े? वो तो परीक्षा देख रहे थे, जन्म लेते ही सबकी मानो बालक पर चले रहा हो, घूर घूर के देख रहा था कि मैंने अंदर मां के पेट में देखा वो मूर्ति है कहां। उसी तरह उनका नाम परीक्षित रखा। ध्यान दीजिए, 5 वर्ष की अवस्था हुई, धनत्तर गुरु के शिष्य बना दिए। 16 वर्ष की अवस्था हो गई, 14 विद्या निदान हो गए। परीक्षित जी, गौर कीजिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, 14 विद्या निदान करके गुरुकुल से वापस आए। हस्तनापुर में बहुत बड़ा पहरा लगा हुआ था, नगर से बाहर इतने बड़े पहरे को परीक्षित जी ने देखा, अपने बाबा अर्जुन से पूछा, बाबा इतने बड़े सिपाही यहां पहरेदार क्यों लगे हैं? बोले बेटा, यहां सुधा कुंड का कुआं है, यानी अमृत का कुआं है, ये तुम्हारे ताऊ यानी तुम्हारे बाबा भीम लेकर के आए थे। अच्छा, इसलिए पहरा है, लेकिन बाबा ये जितना भी पहरा इसको हटा दो, आज से पहरा मेरा लगेगा, मैं पहरेदार बनूंगा। सुधा कुंड के पहरेदार बन गए। लेकिन हे राजन परीक्षित, ध्यान दीजिएगा, श्री सूत जी ने कहा, हे सोन का देखो, अब यहां से कथा मोड़ लेती है। एक दिन भीम जब पातालपुरी से वापिस होकर के आए, इधर अर्जुन वहां पहुंचे, पाताल में भीम की खोज करते हुए पहुंचे, जब उन्हें बासिक से भेंट हुई तो बासिक ने बदला लेने के वास्ते पांडवों से उनको अपना मित्र बना लिया। मित्र बना करके गर्व की बाजी खेली। ध्यान दीजिए,
और गर्भ की बाजी की शर्त थी कि तुम्हारे यदि पुत्र हो और मेरी पुत्री हो तो तुम विवाह ले जाना, और यदि मेरी पुत्र हो तुम्हारे पुत्री हो तो मैं विवाह लाऊंगा। अर्जुन कहने लगे मंजूर है, इतनी सुंदर बाजी गर्भ की भई, लेकिन जीत अर्जुन की भई, जीत अर्जुन की भई। अब बाजी हार के अर्जुन ने विदा करके सीधे नागिन के पास पहुंचे। वासुकि ने कहा नागिन थोड़ा और बैठ जाइए, केवल 5 मिनट दूंगा बस। कोई बात नहीं, थोड़ी देर और बैठिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। गौर कीजिए माता बहनों भाइयों, आज गौर कीजिए और ध्यान दीजिए। जैसे ही नागिन से कहा नागिन आज मैं गर्भ की बाजी हार चुका हूं, ध्यान करना, तू पुत्री को जन्म मन देना। नागिन बोली स्वामी ये तो अंदर घट की बात है, मैं कैसे कहता हूं कि पुत्र जनूंगी के पुत्र। बोले सोचने या तूने पुत्री को जन्म दिया, कसम है गुरु के नाम की तेरे आंखों के सामने प्राण दे दूंगा। लेकिन हे राजन परिषद गौर कीजिए, उधर में तो पुत्र हुआ उत्तरा के गर्भ से, इधर में पुत्री हुई लेकिन उसे पति के मरने से छुपा लिया और कह दे गर्भ छीड़े वो। लेकिन जिस वक्त वासुकि का पत्र पहुंचा था अर्जुन के पास, अर्जुन समझ गए थे कि ये वासुकि की चाल है। लेकिन उधर 16 वर्ष की हो गई नागिन, जिसका माता ने नाम रखा मन से नवल दे। एक दिन कचहरी समाप्त करके आ रहे थे वासुकि, ऊपर को निगाह अचानक हुई चित्र सारी पर, केश सुखा रही थी पुत्री, खड़े हो गए। पुत्री की सुंदरता देखी लेकिन अनजानी है। कौर कीजिए आज गौर कीजिए माता बहनों भाइयों, वासुकि खड़े होकर के अपनी पुत्री की सुंदरता देखी लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि ये मेरी पुत्री है। कि अपनी कुमारी निहार, अपनी कुमारी निहार पाप और धार से सचल दियो, जाके तन से फूटो कोरो रे कांप गओ जातो दियो, जाके तन से फूटो कोरो रे कांप गओ जातो दियो। जागृत हुआ, तन से कोड़ फूट गया, थर थर कांपने लगे हो, अरे थर थर कांपे अंग भयो चित, हाय कहा मैंने कियो, कोई बिन जाने में पाप रे के मैंने करी लियो, कोई बिन जाने में पाप रे के मैंने करी लियो। इस तरह कांप करके भाग करके महलों के अंदर पहुंचे, बोले नागिन नागिन, अरे ओ नागिन तू कहां है। नागिन दौड़ करके आई, अपने प्रीतम को निहारा, जगह जगह से कोड़ फूटा हुआ है। नागिन हाथ जोड़ के बोली स्वामी ये 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 तुम्हारी दिशा कैसे हुई। बेटा ऊपर वाला सीधा रहे। आज मेरी माता बहनों भाइयों, नागिन भी कांप गई अपने स्वामी की दशा को देख करके, पूछने लगी स्वामी तुम्हारी दशा ये कैसे हुई है। वासुकि कहने लगे ओ नागिन, नागिन वेद बताई और अजय कौन महल पे आई,
बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है साध पुत्री को देख लिया, हृदय कांप गया, अपने पिया का डर उड़ के हृदय में। भाषिक ने कहा, नागिन शीघ्र मुझे जल्दी बता। लेकिन नवलदेव झीना से उतर के अपने माता पिता की बात को छुप करके सुन रही थी। नागिन बोली, स्वामी बता तो दू लेकिन मेरे प्राण बखस दिए जाए। भाषिक ने कहा, हम तुम्हें वचन देते हैं लेकिन शीघ्र बताओ वो कौन नारी है। गौर कीजिए और ध्यान दीजिए मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, सुन बाशिक के बेन लगियो कहन काप के वानी, जो प्रीतम त्यारी सुतारे उमर की सैयासानी। जिसको आज आपने देखा है वो तुम्हारी पुत्री है, लेकिन हे स्वामी मुझे क्षमा करना, मैंने तुमसे भेद छुपाए नहीं, तुम काई सुनो हितकारी, सुनो हितकारी, मैं कीजे सैया माफू जी में न भूल करी अति भारी, मैं कीजे सैया माफू जी में न भूल सारा भेद बाशिक को बताया। बाशिक ने कहा, धिक्कार है तेरे लिए, इतना बड़ा भेद छुपाया। हे नागिन जिसे देखते ही आज मेरे शरीर से कोर फूटा, और ये भी तू जानती है कि अमृत है नहीं जिसे कि मैं अपनी काया को शुद्ध करा सकूं। और सुना है धनत्तर का शिष्य है परिषद, जहां पर पहरे पे आज उसका लगा हुआ है, कोई भी एक बूंद नहीं ला सकता। तब तक नवलदेव निकल के आई, पिताजी को प्रणाम किया और जेठ भर लई। वाशिक ने कही, बेटा आ, बेटा आ, गोद में बैठी है। बोली, पिताजी आप निराश मत हो, मैं जाऊंगी हस्तिनापुर, अमृत लेके आऊंगी, तुम्हारी काया को शुद्ध कराऊंगी। लेकिन बाशिक बोलो, बेटी चुप है जाओ, तेरे बस को काम ना, जो तू वहां से एक बूंद अमृत की ला सके। और हे बेटी, मैंने तुझे पहली बार देखा कि जब बाशिक ने कही दिया मैं प्राणन से प्यारी, जब बाशिक ने कही लली मैं प्राणन से प्यारी, अरे अमिल तुले नना दे परी छत योधा बलधारी, अरे जी घबराओ नहीं, अरे वो 14 विद्या निधान है तो मैं भी कम नहीं। अरे नवला दे कहे बचन हंस के, अरे नवला
तुम्हारी खातिर मुझे चाहे कांटों पे चलना पड़े, चाहे अग्नि पे चलना पड़े, लेकिन अमृत लेके आऊंगी, तुम्हारी काया को शुद्ध कराऊंगा। ध्यान दीजिए, अरे फटती है तुम्हें देख के छाती, अरे फटती है तुम्हें देख के छाती, तेरे तन से कोरा छुचाई पर मेरे आँख ने आला, तेरे तन से कोरा छुचाई पर मेरे आँख ने आला थी। मुझे अमृत लेने से जरा भी रोका, मैं भी कम नहीं हूं। अरे पिता मैं नागिन बन जाऊंगी, अरे पिता मैं नागिन बन जाऊंगी, अरे जो बेजाब करे दौर छुट्टिया में खाए जाऊंगी, अरे जो बेजाब करे दौर छुट्टिया सुंगी, पानी नहीं मांगेगा। ओहो इतनी बात सुनी, एकदम से कहा बेटी, ओ बेटी तू नागिन बन जाएगी, बोले हाँ, दसनेगी, बोले हाँ। अरे कुमारे तो आवना ना देगा, बेटी तू मत जा, मैं तुझे नहीं भेजूंगा। अरे कुमारे तो आवना ना देगो, वह बलुआ बन जाए बजाए के बिना पकड़ लेगो, अरे वो बलुआ बन जाए बजाए के बिना पकड़ लेगो। वो सभेरो बन जाए, बीन बजा के बस में करके पिटारी में बंद कर लेगो, फिर क्या होगा? पिताजी चिंता मत करो, अरे पखेरू बन के उड़े जाऊंगी, यदि मुझे जरा भी कोशिश किया पकड़ने का, अरे पखेरू बन के उड़े जाऊंगी। अच्छा तू पखेरू बन के उड़ जाएगी? बोले हाँ पिताजी, हाथ नहीं आऊंगी। बेटी तू नहीं मालूम, अरे वो बन जाएगा बादल ली फिर मुश्किल पड़ जाएगी, अरे वो बन जाएगा बादल ली फिर मुश्किल पड़ जाएगी। सूत जी ने कहा, हे सोनिका देख लाख, आज बासिक ने अपनी पुत्री नवलदेव को समझाया लेकिन एक नहीं मानी, और बासिक असली बातें अपनी बेटी के सामने नान दी। लेकिन मैया एक ऐसी चीज होती है हर बेटी की, और जो बेटी की सखी होती है ना, क्या तो मैया जाने के सखी जाने, दूसरे से बात मिलती है। उसको केवल अमृत लाने की भूख नहीं थी, अपने पति देव के दर्शन भी करने थे। उसे मालूम था, मैया ने कह दिया बेटी तेरी ससुराल हस्तनापुर है और परिषद है वो तेरे पति है। लेकिन आज एक नहीं मानी, जाने को तैयार हुआ। वासिक ने कहा ठीक है चली जाओ, लेकिन ध्यान रखना, चिंता न करो। लेकिन कहते हैं नागवंश ये बड़े मायावी होते हैं, इनको पहुंचने में और जाने में कार्य करने में देर नहीं लगती मेरे लोगों। वह झट से सोलह शिकार बना करके नागिन सारूप
हूर समझाना। वहां पहुंची जहां पर परीक्षित जी का पहरा था। सुधा कुंड की सूद लगा है, परीक्षित जी देख रहे हैं यहाँ पर किसी नर की तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ पक्षी भी इधर से नहीं गुजरता, लेकिन ये कौन नारी जो सीधी आ रही है, चली आ रही है, लेकिन इसकी परीक्षा लेना मेरा कर्तव्य है। परीक्षित जी ओट में खड़े हो गए। नागिन पहुंची, जाके देखा चारों तरफ, निगाह करके कोई नजर नहीं आया। मन ही मन मुस्कराई, मन में सोच रहा है भगवान चलो पति देव के दर्शन तो ना हुए लेकिन अमृत के दर्शन है, अब वो नहीं तो चलो फिर सही, अब मेरे पिता को वचन दिया वो फूल हो जाएगा। अमृत बा में दे भर रहे हो और जैसे ही चलेबे को भाई परीक्षित जी बोले पैरों लगावे दे भा दूंगा, जो अमृत ही लेके चलो गए चोरी है गई तो का फायदा रहो, जाके मार्ग रोक लिया ठहरो कि अमृत लेके नागिन वहां से चली गई। अरे अमृत लेके नागिन वहां से चली गई। ध्यान दीजिए, अरे अमृत लेके अब नागिन वहां मन ही मन प्रसन्न हुए, बोले आज तुम्हारी जगह कोई नर होता उसे मृत्यु दंड इसी क्षण देता, लेकिन तुम्हारा वध करना मुझे शोभा नहीं देता, लोग क्या कहेंगे इतना बताइए। अरे कौन भूप की, अरे तू है माता पिता कौन है और तुम्हारा क्या नाम है। ध्यान दीजिए, बबोली में बता दूं तो मुझे चली जान दोगे। परीक्षित जी को हंसी आ गई, बोले हम तुम्हें चले जान देंगे लेकिन तुमने इतना विचार नहीं किया कि हमारा यहां पैरा है और तुम अमृत लेके जा रही हो, इसलिए हम तुमको जाने नहीं देंगे, पहले अपना परिचय दीजिए। बोले तुम्हें परिचय बताएं, बोले हाँ बताओ तो सुनो। अरे काया बिगड़ी, क्या हाँ, अरे काया बिगड़ी पास मेरे पाप की, मेरे बाप पीजी। जैसे ही वार्षिक का नाम लयो परीक्षित जी समझ गए, क्योंकि उनको भी उनके बाबा अर्जुन ने सब बात बताए दी। ओहो तो तुम वार्षिक की पुत्री हो, बोले हाँ, तो तुम वही हो का कि तुम्हारा नाम नवल दे। नवल दे सहम गई कि जी तो तनु जानते हैं। सही सही बताओ तो तुम वार्षिक की पुत्री हो, बोले हाँ, और तुम्हारे पिता की काया कैसे बिगड़ गई।
बोले हमको पहली बार देखा, उनके शरीर से कोण फूट गया। धिक्कार, बाप अपनी पुत्री को देख करके कोड़ी नहीं होता, ये क्यों नहीं कहती हो कि तुम्हारा पिता कपटी है, छलिया। हमारे बाबा से कॉल किया था और गर्व की बाजी जीती हमारे बाबा ने, तुम्हारे पिता ने हार मानी, तो तुम तो वही हो जो गर्भ में हमारा तुम्हारा विवाह है गये है। अब तुम आई गई हो, हमें माँ जावे की जरूरत नहीं पड़ी, तुम स्वयं आ गई हो, तो अब तुम्हें हम जाने ना देंगे। नाग ने घबरा गए, बोले जी का बहन ध्यान दीजिए, काया बिगड़ी अरे पास मेरे बाप की, मेरे भागवत बंधु ये भेद खुल गया। लेकिन नागिन खड़ी नवल दे सोच रही है, अब जिन्हें माने में तो पड़ गई, लेकिन जाने के लिए रास्ता भी निकालना, अपने कॉल वचन जो पिता को दिया वो भी पूर्ण करना, ये मेरा कर्तव्य है। मन में सोच रही है कि मैं हूं तो जा चलूं, जो कहते पिताजी 14 विद्या निदान, मैं यू कह रही। परिषद जी बोले कहा सोच रही हो, तुम चलती हो मेरे साथ भवन के, मैं तुम्हें पकड़ के ले चलूं। बोले पकड़ के बताइए, अब तो झगड़े में ही बात आ गई। बोले पकड़ के बताइए, झट से उन्होंने हाथ पकड़ने को हुआ कि इतनी जवा सुनी नहीं, इतनी जवा सुनी नहीं नागिनी बनके पटिया के नीचे झट घुस गई। परिचय जी बोले हमें पागल बनाओ चाह रही हो, गुरु को ध्यान दियो बीन हाथ में आ गई, जब कुमार बजायो बीन ने बाहरी करके आई, जैसे ही मंत्र को फूका बीन बजायो ऐसे धूतरी वहां में दे निकाल, एक हाथ से बीन बजा रहे दूसरे से पकड़ना चाहा, लेकिन हुआ क्या, अरे तोती बने उड़ गई, तोती बन गई भैया, तोती बने उड़ गई सुरग में गई न देर लगाई, जब बाज परी छतु बन गौ रे पंजन में लई दवाई, पंजन में दवाई टे 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 आवाज है रही भैया बका निकरे बाज को झगड़ना कर रहा हो तू, लेके हस्तनापुर की तरफ चले, नीचे सुंदर तालाब जिसमें स्वच्छ जल भरा, एकदम से पंख फड़फड़ाए। परिषद जी ने जानी कोई नाखून तो ना घुस घुस ढीलो पंजा कर दो, और जो ही ढीलो पंजा करो पंजन में तो छूट के जल में गिर गई मछली। एकदम से बोले वाह हमको पागल खूब बनाया, लेकिन चिंता मत करो रूप बदलो, धीमर बन के जाल डलवा दो, हजार मछलियों के बीच से पकड़ के कहा बोलो अब कहा बनोगी, असली रूप में आ गई। बोले स्वामी जैसा आपका नाम सुना उससे भी कहीं अधिक बढ़ गया, लेकिन क्षमा चाहती हूँ, अब तो मुझे जाने दीजिए, लेकिन इस तरह यदि मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ तुम्हारी भी बदनामी होगी मेरी भी होगी, इसलिए मैं जाऊंगी, पिता के वचन दिए उन्हें अमृत दूंगी, और उन्हीं पाम लौट करके मैं हस्तनापुर आके फिर तुम्हारे साथ विवाह रचाऊंगा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय।
परीक्षा जी बोले तुम्हारे पिताजी ने तो बाबा से वायदा अभी पूरा ना करो तुम दूसरा वायदा करके तुम जाए पर ठीक है हम बेईमानी नहीं करेंगे चली जाओ जा करके अमृत अपने पिता को दिया काया शुद्ध किया फिर बोली के पिताजी अब मुझे आज्ञा दे दो बोले क्या है कि अपने घर जाए बेटी बोले घर तो तेरो जिए बेटी के नहीं पिताजी झूठ मत बोलो तुम तो मुझे जन्म लेने से ही पहले पराये बंधन बांध चुके हो और फिर अब भी भेद को छिपा रहे हो वार्षिक कहने लगे मान जाओ हमारी बात को मान जाओ हम तुम्हें नहीं जाने देंगे बोले पिताजी अब हम रुकेंगे भी नहीं क्योंकि हमने भी तुम्हें वचन दिया था तुम्हें अमृत दिया ला करके अब हम भी वचन दे करके आए हैं उसको भी निभाना तो ठीक है चले जाओ लेकिन लौट के हस्तनापुर मत आना नहीं आऊंगा इस तरह बस की पुत्री नवल दे परीक्षित जी के साथ जाके पहुंची बड़ी खुशी हुई अपने बाबाओं से सारा समाचार बताया परीक्षित जी ने सुनकर के बड़े खुश हुए धर्मराज दर्शन ने बड़े ही धूमधाम के साथ अपने नाती परीक्षित का विवाह संपन्न किया बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों भाइयों माजू की आरती हो तारो सखी मेरे माजू की आरती हो तारो रे सखी ओ तारो रे सखी ओ तारो रे सखी ओ तारो री
भवानी से तंदमा भवे भवाता चंदा तो भीमा भवे भवंदो चंदा तो भी।